वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। एम पठान गोट फार्म पे हूँ मैं और वी हैव दी ओनर उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, एक से एक बकरे निकल रहे हैं जी भाई, एंड हाइट बढ़ती जा रही है ना। 39-40 थे और ये आई थिंक 41 है मेरे। 41 है भाई, बहुत ही अच्छा एक्सट्रीम क्वालिटी कोटा है। हाँ भाई माशाल्लाह। 41 हाइट और ज़्यादा है? 41 है भाई। 41 हाइट, कितना 100 किलो होगा ये? नहीं 100 किलो नहीं है भाई, है लगभग 90 kg तक है। 90 kg जी, माशाल्लाह। ये भी अपना खुद का है कि क्लाइंट का है? अपना है, बेचने के लिए जी भाई। ओके, क्या नाम है बकरे का? पहला था प्रिंस ना? पहला था शहजादा। पहला शहजादा, सेकंड प्रिंस, और इसका नाम क्या है? गरुड़ा। गरुड़ा, गरुड़ा बादशाह। माशाल्लाह, नाम रखे गरुड़ा जी। मैं तो वो पिक्चर है ना KGF 2, अच्छा अच्छा, उसमें का नाम रखा हुआ है ठीक है। बट वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। इट्स जस्ट अ नेम, बहुत लोग बोलेंगे भाई ये नाम रख दिया, और प्यार से रखा, बस प्यार से रखा, बस उसकी हरकतें वैसी है भाई थोड़ी। ठीक है, कितना मांग रहे हो इसका? फोन पे बताओगे भाई? यस, रेंज 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 तो सब बता ही रहे हो ना भाई, ये थोड़ा हाई रेंज का है बता रहा हूँ। ओके, गुंजाइश है इसमें और बढ़ने की गुंजाइश है? किस चीज़ की? वजन वजन। हाँ भाई माशाल्लाह, अभी तो खाली है एक्चुअली, इसको आगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे पास। इसने 8 दांत पूरा किया? हाँ 8 दांत का बकरा। ये फ्रेश किया है? नहीं फ्रेश नहीं है, 8 दांत में है, 4-5 महीने का बकरा है। ओके, 8 दांत में ठीक है। और एक्चुअली ऐसा है ना फात भाई कि ये आने के बाद अपने पास खाने पीने पे सेट नहीं हुआ था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा पी रहा है बकरा। ऐसा है, वैसे अभी डालते क्या हो आप? 4,000 जो पलाई लेते हो, व्हाट डू यू फीड देम भाई? पलाई में तो फीड तो कैसा, वही जो नॉर्मल जो चॉकलेट वॉकलेट डालते थे, स्टिल देयर? अभी भी है भाई। क्या था बेसिकली वो? मैं देखा था कोई, वो रेडीमेड होता है ना, मैं क्योंकि मैं ये एग्रो फीड पे गया था, वो चॉकलेट जैसा ही कुछ था, उसको पानी में मिला के देते हैं भाई। तो पता नहीं, लेकिन कैसा है, ये दो फीड है, दो है, दो को मैं मिक्स करके इनको पिलाता हूँ ऐसा है। आपके वहाँ उन्होंने आपने जंडुल बकरे का कितना वेट किया ना? अल्हम्दुलिल्लाह देखो फात भाई, ऐसा है ना कि कोई बकरा 4 किलो भी ले रहा है तो कोई बकरा 8 किलो भी वेट ले रहा है ऐसा है। मैं एक बात बता दूं आपको, जब जज बनाए थे JD के शो पे, कमेंट बहुत अच्छी और पॉजिटिव आई, लोगों ने कहा कि भाई ये लोग वाकई में नॉलेजेबल है। अरे जज़ाकअल्लाह भाई, एंड आई थिंक 99% कमेंट्स वर वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। पॉइंट जजिंग जो होती है ना, एक एक नुक्स निकाल के जहाँ पर ज़रूरत थी, वेरी अप्रोप्रिएट आई थिंक, एक्सपीरियंस बताता है। कितने साल से आपका ये मेंढो में शौक है उस्मान भाई? भाई मतलब मैं क्या बोलूँ भी, मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर में थे जानवर भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ते गया वैसे वैसे जानवर में तब्दीली आती गई भाई, ऐसा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेंढा भी मैंने कुछ 14 साल की उम्र का होगा भाई, मैं 14 से 15 साल की उम्र का पहला मेंढा खरीदा था मैंने। अभी भी ज़्यादा जो शौक है मेंढो का ही है ना जी भाई? अभी भी मेंढो की। क्या पलाई लेते हो? पलाई ऐसे तो अपने इधर 5,000 रुपये है मेंढो की। वो स्पेशल तैयारी वगैरह होती है उनकी? स्पेशल पलाई दो किस्म की है भाई, एक तो कैसा उसके लिए, उसके कैसा अपन 12,000 रुपये चार्ज करते, और जो नॉर्मल स्पेशल पलाई है उसके 7,000 रुपये चार्ज करते। मैंने कहीं तो वीडियो देखा था साउथ इंडिया में जी, वो जो स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, कुछ लोग तो ज़बरदस्ती भी खिलाते, भराई भी करते हैं। करते हैं भाई, कैसा अभी जानवर नहीं खाएगा तो बनेगा नहीं ना, तो उसके लिए आदमी करता है फोर्स फीडिंग, लेकिन अपने इधर ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर अपने पास खुद से ही खाते हैं भाई। ओके, बकरे भी और मेंढे भी। और मेंढों में अगर आउट हो गए वो तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है भाई? कौड़ी के दाम बिकते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है कि कौड़ी के दाम बिकते हैं, बस ऐसा है कि उनको बेच देना पड़ता है। तो देयर इज नो सेकंड चांस? नहीं, सेकंड चांस नहीं है बॉम्बे में, एटलीस्ट नॉट फॉर योर टीम। हाँ बॉम्बे मत, सिर्फ बॉम्बे में ही मतलब सेकंड चांस नहीं है, बाकी और कहीं जाके वो शो में उतर सकते हैं भाई। इन अ वे अच्छा ही है ना, क्योंकि फिर नए मेंढे बिकेंगे कैसे? हाँ ये भी बात है ना, ठीक है। इसके लिए लोग बोलते ना बॉम्बे का शौक महंगा है भाई, महंगा बहुत महंगा है भाई। लेकिन चलो बाहर, ये बंदे का नाम क्या है जिससे बकरे बहुत चिढ़ते हैं? ये बादशाह नाम है भाई। व्हाई डू बकरी क्यों इससे चिढ़ते हैं भाई? ये बकरों के सामने रैप कर दे रहा है। हाँ उसने एक रैप बना के रखा है आपके लिए भाई। ठीक है ठीक है, अभी थोड़े टाइम जब मेंढे आएंगे ना तब वो रैप अपना चालू। खोलो बेटा, शायद बकरा खोलो। संजय भाई का है, संजय भाई ले लो। बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है माशाल्लाह, बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा। चलाइए, चलने फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह अपने सब बकरों के पैर सीधे सीधे ही मिलेंगे माशाल्लाह। फात भाई अपने बकरे जो है ना फार्म के उन लोग के पैरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं आएगी, टेढ़े कैची वैची ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि शॉपिंग ये ऐसी हो रही है और बहुत बारीकी से परख के मतलब यहाँ पे, अरे बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, खेलिए इधर खेलिए जी, बहुत बारीकी से परख के बकरे लेके आ रहे भाई, मतलब 10 बकरा ले ले उसमें से एक बकरा पसंद आ रहा है। डू यू गो टू शॉप फॉर दीस गोट्स? एट टाइम्स बट नॉट रेगुलरली। ओके, यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आइए, खेलिए बकरे के साथ यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत रुबाबदार है बकरा, खेलिए यहाँ पर खेलिए, शायद बेटा खेलो इससे। हमारे एम पठान गोट फार्म के ओनर है महविश, उनका फोन आ रहा है, बोले फाद अंकल से मिलने का। महविश इज उस्मान भाई डॉटर। ओहो माशाल्लाह, उनको फाद अंकल से मिलना है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बड़ा बकरा है, बकरे का नाम है गरुड़ा। कितने किलो का होगा ये अप्रोक्सीमेटली? ये अप्रोक्सीमेटली 95-98 रहेगा। 90 किलो नहीं, ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, 90 है, ठीक है। चलिए जिस किसी को भी लेना है कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच।